हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनीस। देखिए, ये गजनिया का फ्लावर आया है। देखिए कितना बिल्कुल बूसी हो चुका है। ये इसका थर्ड क्लच है और इसमें बहुत सारी बर्ड्स आ भी रही हैं नीचे से, और मॉर्निंग में सारे के सारे फूल तोड़ लिए। ये एक अभी खिला है थोड़ी देर पहले ही, तो इस वजह से इसको मैं वीडियो बना लिया। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात है कि आप इसको प्योर सैंडी सॉइल दीजिए, उसमें ही ये सबसे अच्छा ग्रो करता है। और इसको आप किसी के साथ मत लगाइए, इसको आप सेपरेट लगाइए तभी अच्छा, क्योंकि ये वाइड जो है मतलब ज़्यादा ज़्यादा फैलता है, और इस पर जो है ये इसके रूट ज़्यादा डीप में जाते हैं। इसको बिल्कुल सैंडी सॉइल दीजिए, चाहे बिल्कुल सैंड में ही लगा दीजिए, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और इसमें आप अगर NPK 19:19:19 का स्प्रे करें या फिर इसके जड़ों में दें तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। प्लस इसमें फंगस की कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं आती है कोई भी फंगस की दिक्कत नहीं। बस हाँ, इसमें माइट्स का अटैक होता है, तो जिसके लिए आप इसमें थोड़ा सा कोई सा भी माइट्स के लिए जो है ला करके आप जो डाल दीजिए। मैं तो क्या करता हूँ कि घर में जो वुड ऐश निकलती है, वुड ऐश ही मैं इसमें स्प्रे कर देता हूँ, तो इसमें सारी की सारी चींटियाँ भग जाती हैं। प्लस रोज़ जो है वाटर की सारिंग करता हूँ, तो इसमें एक भी जो है माइट्स का अटैक भी नहीं होता। और दोस्तों, बहुत ही हार्डी प्लांट है, पूरे 12 महीने चलता है। केवल सर्दियों के सीजन भर में इसको थोड़ी ही दिक्कत होती है, वरना बहुत अच्छा चलता है। इसमें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लावरिंग के लिए इसके जो स्पेंट फ्लावर्स हों आप उनको तोड़ते रहिए, तो ये आपके बचे रहेंगे। प्लस समर्स में इनको बचाने के लिए आप इनको थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए, तो ये आपके आसानी से बचे रहेंगे। आप फ्लावरिंग नहीं करें, आप थोड़ी सी केयर कर लेंगे तो हाँ, ये अच्छे से चलते रहेंगे। तो और देखिए दोस्तों, साथ में मेरा एक ये गेंदे का पौधा लगा हुआ है। धूप ज़्यादा हो रही है, इस वजह से थोड़ा ब्लैक आ रहा है। ये देखिए, ये जो है मैरीगोल्ड है। प्लस पीछे साइड ये जो है हिबिस्कस है। हिबिस्कस बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं इस समय पे। ये देखिए, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। और इसके अगर आप लीव्स देखें तो ये देखिए, एक एक लीव्स इतनी इतनी बड़ी है। प्लस नीचे देखिए, कुछ पालक लगी थी जिसको अभी आज ही मैंने हार्वेस्ट कर लिया है, और बहुत सारी पालक थी तो थोड़ी सी बची है। दोस्तों, आते हैं बाद में गजनिया के। गजनिया पर जब ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम होगी या कोई पेस्ट लगेगा, तो उसमें देखिए ऐसी ऐसी लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आपके प्लांट में जब ऐसी लीव्स आना स्टार्ट हो, तब आप उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए कोई इंसेक्ट्स हैं जो, ये देखिए ऐसे ये आपकी लीव्स को देखिए बिल्कुल कट कर रहा होगा। तो ऐसे में क्या करना है कि आप अपने प्लांट पर जो है थोड़ा सा वुड ऐश जो है स्प्रे कर दीजिए। मैं वुड ऐश ही यूज करता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं यूज करता हूँ। अगर आपके पास थीटा है या फिर M45 है तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें फंगस की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सारे इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसमें फंगीसाइड का उपयोग मत करिएगा। और इसमें अगर फंगीसाइड का अगर आप उपयोग अगर इसमें करते हैं तो दोस्तों ये शॉक में चला जाता है, प्लस अपनी फ्लावरिंग भी रोक देगा। अगर आप इसमें इंसेक्टिसाइड अगर यूज करते हैं तो ये अपना जो है काम सही से चलाता रहेगा। तो दोस्तों, आपको होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन की जरूरत दबाइए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।